विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पलामू के कुंदरी पहुंचे बाबूलाल मरांडी और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबूलाल मरांडी का भव्य स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने पीएम मोदी के विकास योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा गरीबों को आवास, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। साथ ही कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज करने के लिए लाभ दिया जा रहा है। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रूपए दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को सहयोग मिलता है। पैसा भी नहीं लगेगा, चूल्हा के भी व्यवस्था कर दिया, घर के भी व्यवस्था कर दिया, कोई बाल बच्चे भूखे नहीं सोए तो अनाज की भी व्यवस्था कर रहे हैं। सोचो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों का किस प्रकार से वो चिंता करते, गरीबों के लिए क्या सोचते हैं, तो आप जरा सोचिए, जरा विचार करिए। फिर किसान भी अपने खेती बाड़ी करता है तो उसके लिए भी किसानों को साल में 6,000 रुपया 2,000 करके 3 बार में भेजता है, रवि के समय, खरीफ के समय, फसल काटने के समय, ताकि किसानों को महाजनों के घर जाना नहीं पड़े। तो इतनी सहायता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को भी देते। इसमें जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने और तीसरी बार अपने सदे यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार फिर से शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री रूप में देखने के लिए हम लोग, शपथ लेने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।